हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिगनर सीरीज। तो अगर आपने पहले का दो तीन वीडियो जो मैंने डाला हुआ है, एक ट्राइसेप को लेके, एक बाइसेप को लेके और एक डेडलिफ्ट को लेके भी, बिगनर्स के लिए स्पेशली, बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कम्प्लीट लेग एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट। बिगनर्स और इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें मैं अभी बिल्कुल एक ही एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की और तीन एक्सरसाइज क्वाड की है, इसलिए मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि बिगनर्स को अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही क्वाड पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद फिर हैम्स पे अभी नहीं, क्योंकि उनकी नस वस ज़्यादा चढ़ जाती है। तो आज की एक्सरसाइज उसी हिसाब से बेस्ड है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, लेग की एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आप ही अपर बॉडी पे तो सब लोग फोकस करते हैं, लेग पे नहीं फोकस करते हैं, जबकि अपर बॉडी आपकी अगर आप हाफ हाफ डिवाइड कर दो, लेग आप एक दिन में नहीं करते हो, अपर बॉडी आप तोड़ तोड़ के एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन बाइसेप, ट्राइसेप, सबको आप इंडिविजुअली कर लेते हो, लेकिन लेग के लिए एक दिन में नहीं देते हो। लेग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है के लिए। अगर आपकी लेग अच्छी नहीं है तो आपकी अपर बॉडी खूबसूरत कभी नहीं बनेगी नेचुरली, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो बात ज्यादा हो गई, चलते हैं सीधे पहले एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। सो पहले एक्सरसाइज है आपकी बारबल स्क्वाट्स। देखो, बारबल स्क्वाट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ऑलवेज। ना मैं स्किप करता हूँ, ना मैं अपने किसी क्लाइंट को स्किप करने देता हूँ, ना अगर मेरे से कोई एडवाइस लेता है तो मैं उसे भी कभी भी एडवाइस करूंगा स्किप करने की। अगर आपको बारबल स्क्वाट से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, चाहे नी पेन हो गया या लोअर बैक पेन हो गया, तो नी पेन अगर होता है तो प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि आप गलत पोजिशन लेते हो, इसलिए होता है। तो उस टाइम पर आप अपनी पोजिशन को सुधारोगे, ना कि एक्सरसाइज को स्किप कर दोगे। सेकेंड, अगर आपकी लोअर बैक में पेन होती है तो भी मोस्ट ऑफ चांस यही है कि आपकी पोजिशन खराब है और सेकेंड आपकी लोअर बैक वीक है। जो पार्ट आपका वीक है उसको आप ट्रेन करोगे अच्छे तरीके से, ना कि उसको स्किप कर दोगे, ठीक है। अगर आप अपने घर जा रहे हो, आपका किसी घर का रास्ता खराब है ना, तो आप उस रास्ते को बनाओगे, घर नहीं बदल लोगे। सेम चीज पहला एक्सरसाइज है। वैसे बारबेल स्क्वाट्स मशीन हम लोग लगाते हैं, वो भी बिजी है, तो मैं स्मिथ पे बता रहा हूँ। स्मिथ पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन बिगनर के लिए मैं स्मिथ कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में चलती है। तो अभी आपको रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री वेट से जितना हो सके एक्सरसाइज करो। पहले एक्सरसाइज है बारबेल स्क्वाट, आ जाओ। पोजिशन वगैरह सब आपको बताया हुआ है, शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर आपको पैर रखना है अपना, अंदर आओ पहले। एक और चीज, यहाँ पे आपको रड को रखना है, ज्यादा लो बार नहीं रखना है, क्योंकि आपको आपकी मसल पे फोकस करना है, तो हाई बार ही बेस्ट होगा आपके लिए। चलो यहाँ पे रखो, अब उठा लो दोनों पैर को बराबर करके, ठीक है। अब पैर आगे करो, पैर आगे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फ्री वेट नहीं है, रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में चल रहा है, तो आप उसका फॉर्म नहीं बदल सकते हो, लेकिन खुद का बदल सकते हो। चलो नीचे जाओ, डेप्थ पे आपको फोकस करना है, देख लो कहाँ तक, और नीचे जाओ पूरा यहाँ तक, इस पोजिशन तक, एक बार और ऊपर, यहाँ पे आप रख दो। देख सकते हो कि नी किस तरह से बाहर की साइड खुला, इसी तरीके से आपको करना है। नी अगर आपके टो से थोड़ा आगे भी जा रहा है तो कोई ऐसा बात नहीं है कि आपका पैर टूट जाएगा, घुटना टूट जाएगा। ये था पहला एक्सरसाइज। सो सेकंड एक्सरसाइज आपकी एक्सटेंशन। तो इसमें दो तीन चीज है जो आपको थोड़ा सा फोकस कर, एक तो आपका सीट इस जगह पे होना चाहिए कि आपका नी ना ज्यादा अंदर हो ना ज्यादा बाहर हो, बिल्कुल यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे हो, सबसे पहले ये। सेकंड, आपको इसको लॉक करने का कोई जरूरत नहीं है, और अपने हिप को पीछे की साइड और टाइट कर देना है। तीसरा, एंगल को नीचे करो, ठीक है, एंगल को जितना हो सके आप अंदर कर लेना, पैर लगाओगे। और एक और चीज, यहाँ पे आपका जो ये पैर का पोजीशन होता है ना, तो वो इस जगह पे होना चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पैर लगाओ। अब प्रेस करो, यहाँ पे आके देखो, पूरा बिल्कुल पैर सीधा हो गया इस जगह तक, डाउन करो स्लो निगेटिव, यस, यहाँ पैर आप देख सकते हो, टो ऊपर के साइड इस तरह से किया हुआ है बेंड, ताकि आपका मैक्सिमम लोड क्वाड मसल पे आ सके। क्वाड आपका चार मसल से जोड़ के बनता है, इसलिए उसे क्वाड बोलते हैं। तो आपका प्रॉपर क्वाड पे लोड है, इसलिए आपको इस तरह से अपना सेटअप करना होता है। ये था आपका सेकंड एक्सरसाइज, चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज। सो थर्ड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। तो पहले जो दोनों एक्सरसाइज है, वो दोनों एक्सरसाइज आप जब कर लोगे तो आपकी क्वाड मसल अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएगी और लोड लेने के लिए थोड़ी रेडी भी हो जाएगी। साथ ही साथ आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, मैक्सिमम लोड आपके क्वाड पे ही आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से एक्टिव हो गई होगी। तो इसमें आपको मेजर दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले पैर का पोजीशन, पैर रखो, पहले तो ये जूता उतार दो। इस तरह के शूज आपको भी यूज नहीं करने, फ्लफी शूज कभी यूज नहीं करने किसी भी लेग के एक्सरसाइज। ज्यादा आपको ऊपर नहीं रखना, नहीं तो आपका हैम ज्यादा इन्वॉल्व होगा और ग्लूट ज्यादा इन्वॉल्व होगा। हल्का सा नीचे, हल्का सा और क्लोज, पैर आपका कुछ इस साइड होगा, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। उसके बाद प्रेस करो, ग्लूट यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कमर और आपका ग्लूट्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉक कर दिया गया। अब बैक को लॉक रखोगे ताकि आपका कमर बेंड ना हो। चलो डाउन करो, डाउन आप पूरा जाओगे जहां तक हो सके। ये मशीन थोड़ा ज्यादा बेंड नहीं है, कोई मशीन सीधा भी होती है, उस पर अच्छा लोड आता है। चलो
प्रेस डाउन, प्रेस बस लॉक। ऊपर जाते टाइम आपने हर जगह सुना ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, शायद ही बताने की जरूरत पड़े कि नी को लॉक नहीं करना है वरना नी पे आपका लोड जाएगा, इंजरी का चांस ज्यादा होगा। ये था आपका थर्ड एक्सरसाइज। अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, वो है हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज आपका हैमस्ट्रिंग के लिए, दैट्स कॉल्ड हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें आपको सीट को थोड़ा सा पीछे रखना है ताकि आपका नी सीट से बाहर ना जाए, इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा लोड आता है। इसको ऊपर कर लो, ठीक है, जितना हो सके आपकी मशीन जिम में जो भी मशीन हो वो जितना हो सके इस पे सेट हो उतना ऊपर आपको सेट कर लेना है। पैर रखना है इसमें, आपको फोकस क्या करना है, सेम जो टो था ऊपर ही के साइड रखना है ताकि अच्छे से अच्छा लोड आपके हैम्स पे आ सके। चलो, इसमें आपको इसको लॉक जरूर करना है ताकि आपका क्वाड मसल ऊपर ना उठे और प्रॉपर आप एक पोजिशन मेंटेन कर पाओ। चलो ठीक है, स्लो निगेटिव और बस बस प्रेस, स्लो 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 प्रेस। कुछ इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज परफॉर्म होगा। ये था हैमस्ट्रिंग का, हैमस्ट्रिंग का एक ही एक्सरसाइज है क्योंकि बिगनर सीरीज है, तो बिगनर्स के एक्सरसाइज में मैंने हैम्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं ऐड किया है। तीन आपके क्वाड्स का है, एक आपके हैम्स का है, एक और एक्सरसाइज है काल्फ एक्सरसाइज आपके काल्फ मसल के लिए, दैट इज कॉल्ड काल्फ रेज। अगर आपके पास ये काल्फ रेज मशीन है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी भी टेबल पे या दो प्लेट लगा के स्टैंड बना के आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इस पर प्लेट लगा सकते हो। चलो पैर नीचे करो, इस तरीके से आपको रखना है, टो बिल्कुल बाहर, चलो चलो एड़ी बिल्कुल बाहर रहेगा आपने, नीचे दिखाना हल्का इस साइड में आ रहा, ठीक है, पूरा नीचे तक गए और प्रेस। जितना हो सके आपको निगेटिव फ्लो रख के नीचे तक जाना है, जितना नीचे जा पाओ प्रेस। प्रेस को आपको एक से दो सेकंड होल्ड करना ही करना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा लौटा सके। काल्फ का मसल बहुत ही छोटा मसल है तो बहुत ज्यादा उसको ओवर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद एक से दो सेट उसका कर सकते हो, दैट्स इज इनफ। यही है कंप्लीट लेग एक्सरसाइज फॉर स्पेशली बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट एथलीट्स, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में नीचे अगर कोई किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, इंस्टा पे मेरे को भी DM कर सकते हो, इंस्टा का लिंक आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।